Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. मैं चांदनी सुकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ. तो आज की हमारी रंगोली काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा और अपना प्यार हमेशा मुझे देते रहिएगा. तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमेशा की तरह मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रंगोली डिज़ाइन कैसी लगी. तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही योग दिवस, तो जी हाँ, मैं योग दिवस के ऊपर रंगोली बना रही हूँ और काफ़ी मुश्किलों के बाद ये वीडियोज़ बना पा रहे हैं क्योंकि मेरे घर में काम लगा हुआ था और इन सब चीज़ों के बीच में आप सब के लिए कंटेंट तैयार करना भी मेरे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अदर वर्क करना. तो आई होप सो कि मेरी इतनी मुश्किलों से बनाया हुआ ये वीडियोस आप सबको बहुत पसंद आएगा. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा ओनली योग दिवस और एक कुछ स्ट्रक्चर्स या फिर कुछ एक ह्यूमन फिगर या योग मुद्रा की एक मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाई है. बहुत ही सिंपल सी रंगोली है, ईजी है, कोई भी है इसको आराम से ट्राई कर सकता है. अगर आप लोग भी इसको बनाइएगा तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही सिंपल से कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया है. मैंने यहाँ पे लाइट पिंक, डार्क पिंक और यहाँ पे रेड कलर का एक कॉम्बिनेशन तैयार करके अपना रंगोली का जो बैकग्राउंड है उसको कंप्लीट किया है. उसके बाद हमने अपने फेवरेट टूल्स से यहाँ पे योग दिवस लिख रहे हैं. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिवस ये जो स हमने लास्ट में बनाया है इसी के बीच में मैंने यहाँ पे योग मुद्रा में एक फीमेल फिगर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो भी शेडो फॉर्म में है. आप चाहें तो इस चीज़ को कलरफुल भी बना सकते हैं, बट जैसा मैंने बैकग्राउंड कलर कॉम्बिनेशन रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर या ब्लैक कलर की हमारी जो रंगोली है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शेडो फॉर्म में ही बनाया है. मेरे रंगोली बनाने का हमेशा मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आराम से बना सके, क्योंकि हर किसी को पोर्ट्रेट रंगोली बनानी नहीं आती है. बट अगर किसी के स्कूल कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर इवेंट्स होते हैं इस किसी भी फेस्टिवल या फिर इवेंट्स को लेके या फिर ओकेज़न को लेके, तो अगर सिंपल से सिंपल चीज़ें भी अगर हम बना सकते हैं और उस दिन को स्पेशल और भी ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं तो क्यों ना उसी तरीके की रंगोली आप सबके साथ शेयर की जाए. तो मेरा मोटिव ही हमेशा यही होता है कि आप सब तक बहुत ही सिंपल और ईजी वे में बना के रंगोली आप सबको दिखाऊँ, और आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझसे शेयर भी करना. तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एकदम सीधी मुद्रा में जो हमारा हम नॉर्मल पोजीशन में जिस तरह से बैठते हैं, दोनों हाथ ध्यान में लगाते हैं, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो इसी मुद्रा में बैठते हैं, तो इसी मुद्रा को मैंने यहाँ पे बनाया है. ये भी एक योगाभ्यास ही है और आप सभी को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बिकॉज हम सभी अगर योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे. कहा भी गया है योग करें निरोग रहें, या फिर अपने घर घर में इस चीज़ को फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि योग करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम सभी की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि जिसके लिए योग हम सबके बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छा वार्म अप होता है. तो हम सबको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि वह योगा ज़रूर से ज़रूर करें. तो इस दिन तो योगा डे ही है ही, तो आप लोग भी प्लीज़ भी योगा ज़रूर करिएगा और अपने हेल्थ को ध्यान रखिएगा. तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो जो स बनाया था मैंने यहाँ पे, स के अंदर हमने जो ड्राइंग की थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है. योग दिवस एक साथ लिखा हुआ है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. बैकग्राउंड को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स यहाँ पे रख दिए हैं अपनी बॉटल वाली टूल्स की हेल्प से. जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैं अपने जो डॉट्स वाली रंगोली होती है वो उसी चीज़ उसी टूल से बनाते हैं, और बाकी काम तो हमारा पेंसिल ही कर देता है क्योंकि यही एक हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल्स है. मेरे पास बहुत ज़्यादा टूल्स तो नहीं है बट मैं इसी सब घर की चीज़ों से ही सारे काम कर लेती हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करिएगा कि घर की चीज़ों से ही सारी चीज़ों को बनाइएगा. जो हमारा स बना था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा और ब्लैंक लग रहा था, तो छोटी सी यहाँ पे डिज़ाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दी जिससे कि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाए और हमारा जो मोटिव है वो भी एकदम अच्छे से हमें देखने को मिलेगा. तो फाइनली हमारी रंगोली बनके रेडी हो चुकी है. कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा.